नमस्कार दोस्तों, मैं सनी, हमारे चैनल अंश कुमार स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसा कि किसी ने कमेंट किया था, 200 वोल्ट पर यदि हम 100 वाट का बल्ब यूज करते हैं, लेकिन अगर हम 100 वोल्ट पर वही 100 वाट का बल्ब यूज करते हैं तो कितना पावर लेगा या कितना पावर खर्च होगा, आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको ये पता करने के लिए, करंट निकालना होगा तभी आपका पावर निकल पाएगा। तो करंट क्या, हमें करंट भी पता करना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी बल्ब का या किसी ट्यूबलाइट का जो पावर फैक्टर है, जनरली जो पावर फैक्टर होता है वह 0.9 होता है। पावर फैक्टर जनरली होता है 0.9। अब तो हमें पावर फैक्टर पता चल गया, लेकिन फिर भी हम पावर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमें करंट नहीं पता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सूत्र यूज करते हैं, पी बराबर वी इंटू आई इंटू कॉस फाई। कॉस फाई ये एसी के लिए सूत्र होता है और हमको करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इस पे हल करेंगे, उसके बाद हम करंट निकालने के बाद फिर इसको हल करेंगे, ये 100 वोल्ट पे रखकर। ठीक है, तो लिखते हैं पावर। पावर जैसे कि दिया 100 वाट का बल्ब है और वोल्ट हमारा 200 वोल्ट है, करंट हमको ज्ञात करना है और कॉस फाई की मान, कॉस फाई पावर फैक्टर होता है जो कि यहां मैं लिखा हूं 0.9। ठीक है, तो अगर अब 0.9 यहां हम लिखते हैं 0.9। ठीक है, अब इसी को अब हम हल करते हैं। हल करने पे आएगा 100 = 20 × 9 × I। ठीक है, अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अब यह हो जाएगा 9 × 18 × I। ठीक है, अब I हमारा कितना आ गया, 10/18। यह हमारा क्या, करंट हमारा निकल गया। ये करंट निकल गया हमारा 10/18। अब अगर हम चाहें तो ये जो बात कर रहे थे, 100 वोल्ट पर अगर यूज किया जाए, 100 वाट का बल्ब अगर 100 वोल्ट पर यूज किया जाए तो पावर कितना खर्च होगा, अगर इस पे निकालना चाहे तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें पावर फैक्ट करंट भी पता चल गया है और पावर फैक्टर भी पता चल गया है, तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या, पावर। ठीक है, तो अब फिर सूत्र वही लिखते हैं, P = V × I × cos φ। ठीक है, अब P हमें ज्ञात करना है, वोल्ट हमारा कितना है, ये 100 वोल्ट है, और करंट हमारा कितना है, 10/18, और cos φ यानी कि पावर फैक्टर हमारा कितना है, ये जो पावर फैक्टर 0.9। ठीक है, लिखते हैं 10 × 9/18, 9 × 9 = 18, 2 × 2 = 10, आ गया 50 वाट। जैसे अगर हम 100 वोल्ट पर यूज करते हैं 100 वाट का बल्ब, तो हमारा जो पावर खर्च होगा वो 50 वाट होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों।